Alright, so hey guys, what's up everybody? It's Mohsin back it again with a new video. So guys, आज की वीडियो में हम लोग नहीं सिर्फ मैं जाने वाला हूँ कुरला एक्वेरियम लेना है. तो मैं सोचा थोड़ा क्रिएटिव करते एक्वेरियम लेंगे और उसमें मतलब फिश अभी नहीं लूंगा. फिश तो सरप्राइज नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा सेटअप वाली वीडियो में. तो ये वीडियो लास्ट तक बने रहो. अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आपको रेट वेट सब पता चल जाएगा मच्छी का फिश टैंक का. अगर आपको बाय करना है तो लोकेशन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो शॉप पे चले जाना. तो चलो लेट्स गो. हम लोग की नसीब अच्छी रहना चाहिए, फिश टैंक एकदम रीजनेबल रेट में मिल जाना चाहिए. अगर हाई प्राइस रहा तो शायद मैं नहीं ले पाऊँ. तो मिल जाना चाहिए लो, मतलब रीजनेबल प्राइस में, उतना भी लो नहीं रहना चाहिए. तो ब्लॉग में बने रहना, मैं आपको पूरा प्राइस सब बताऊंगा. फिश के तो मैं शायद नहीं बताऊंगा, टाइम लग जाएगा इसमें. तो सबके बता दूंगा सेटअप के. और इसमें दो पार्ट आने वाली है वीडियो में. दूसरा पार्ट परसों नरसों तक डाल दूंगा मैं, उस पर पूरा सेटअप रहेगा. तो मिलेगा अगली बार जरूर अंदर जाएगा अपने साथ फिश लेने. फिश लेकिन मैं कुरला से नहीं लूंगा. एक दिन एक्वेरियम को पूरा साइकिल पे रख दूंगा, मतलब पूरे फंगस पानी में से खत्म हो जाना चाहिए. तो पता है पानी कैसा आता है नल में, तो इसलिए थोड़ा लिक्विड डाल के छोड़ दूंगा. और साइकिल वो वाली साइकिल नहीं फिल्टर होएगा पूरा पानी इसलिए. गाइस अगर मुझे एक्वेरियम मिल गया तो कमेंट में बताना मैं कौन कौन सी फिश उसमें डालू. तो जरूर से कमेंट में बताना मैं कौन सी उसमें फिश डालू. तो चलो जल्दी जल्दी निकलते हैं, जाने का आने में लेट होगा. वो तो पता है कुरला हर बार जाता हूँ लेट होता ही. टैंक बुक कर दिया हूँ तो मुझे लगभग पड़ा है 550 रुपये का 2 फीट का. लेकिन अब एक ही झंझट हो रहा है, लेके कैसे जाना है, ट्रेन में लेके जाए कि टैक्सी में, कुछ समझ रहा नहीं है. और ये दुकान जी है हम लोग का टैंक 2 फीट का और अंकल ने बहुत कम प्राइस किया. बताना टैंक कैसा लगा. तो हम लोग ने सोचे टैंक अभी ट्रेन में नहीं लेके जाएंगे, कल मैं अपने मामू के साथ आऊँगा तो लेके जाएंगे, सेफ रहेगा थोड़ा. Deeper hours later. फिश ले लिया तो सरप्राइज है, थोड़ा ही दिखेगा. इधर बहुत सारी फिश है. ऑस्कर मैं अभी नहीं लिया हूँ, ऑस्कर थोड़े दिन बाद लूँगा. और बहुत सारी हैं, सब ले चुके. अभी हम लोग निकल रहे हैं तो घर पे पहुँच के पता चल जाएगा कौन कौन सी फिश है.
ये हम लोग का नया टैंक 2 फीट का, तो इसके साथ तो ये स्टील का पत्रा मिला। इस पे स्टिकर लगाएंगे ना, है ना भाई? जब भी मैं घर पे पहुंच चुका हूँ और मैंने सब टैंक वैंक होपफुली पूरा टैंक एकदम सही सलामत आ गया, कुछ क्रैक व्रैक नहीं आया बाइक पे। और तो अभी एक और पार्ट ये वीडियो का आ जाएगा और यही वीडियो में मैं प्राइस बता दूंगा मुझे बजट कितना पड़ा। और मुझे 2-4 फिश और लेना था, और फिश तो सरप्राइज है, और एक पैकेट फिश बता दिया हूँ जिसमें जो, और एक फिश सरप्राइज है वो दूसरे वीडियो में पता चल जाएगी सेटअप वाली में। गाइस मुझे पूरा टैंक पड़ा है कुछ लगभग 600 रुपये में पत्रे के साथ, ऑक्सीजन फिल्टर मिला के मुझे 800 पड़ा, और मच्छी का तो एकदम सस्ता रेट है, 100 में पूरा ले लिया मच्छी। तो अगर आपको विजिट करना है तो लोकेशन डिस्क्रिप्शन में, सबसे बेस्ट जगह मैं बोलूँ एक गली है उसके आगे, गली में जो जाते हैं ना कुर्ला के लेफ्ट में, उधर एक से एक मतलब रीजनेबल रेट में एकदम सस्ते फिशेस मिलते हैं। लेकिन ओपन रोड पे जो अगर आपको टैंक लेने जाना है तो वो अंकल एकदम, वो अंकल का नंबर भी दे दूंगा, आज़ाद ग्लास सेंटर नाम है वो शॉप का। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेटअप वाली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, स्टे सेफ।